जाना है, किसी को फेम उसमें जाना है, रियलिटी शो में चाहिए, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, हम इस पर बात नहीं करते। हमारा ये मुद्दा प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बस मैं यही बोलूँगी आप हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि आप संत हैं, और राजनीतिक प्रवक्ता किसी संत को नहीं होना चाहिए, ना भाजपा का प्रवक्ता होना चाहिए, ना कांग्रेस का प्रवक्ता होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, संत समाज को सनातन धर्म की आवाज़ सनातन धर्म को बुलंद करना चाहिए। भाई बाबा बागेश्वर ने राम मंदिर जाते ही कहा है अब हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये सबका देखिए, हम तो राम राज चाहते हैं, हम राम राज की कल्पना करते हैं, राम के आदर्शों पे चले, राम की नीतियों पे चले, राम को माने, जैसे राम सब नारी में सबको राम को माता नजर आती थी, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो समझदार लोग हैं अयोध्या के, उन्होंने अपने मत का सही इस्तेमाल किया और सही से अपना चुना। लेकिन पूनम जी क्या लग रहा है, आप खुद एक पंडित है, जहाँ बाबा बागेश्वर, तो कोई दिक्कत है तुम्हें मेरे पंडित, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति को गर्व है अपने समाज पर होने में, मुझे भी गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अपने समाज पर गर्व करता हूँ, मुझे गर्व है अपने समाज पर होने में, ऐसे ही मुझे गर्व है अपने ब्राह्मण होने में। मैं बस सवाल पूछ रहा हूं, आपको आप भी तो चेहरा एकदम ऐसे हो गया कि जैसे आपको दिक्कत हो मेरे पंडित होने से, मतलब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालो, पंडित को गाली दे दो, किसी पंडित को गाली दे दो, चाहे वो पंडित वाले मंदिर वाले पंडित को गाली दे दो, चाहे वो पूनम पंडित को गाली दे दो, चाहे वो और तमाम पंडितों को गाली दे दो, चाहे किसी भी पंडित को गाली दे दो, ये ट्रेंड चल रहा है कि पंडित को गाली दे दो और नेता बन के बैठ जाओ, है ना, सोशल मीडिया पे व्यूज तो ले सकते हो। मैं बस सवाल ये सवाल नहीं था तुम्हारी आंखें बना रही थी, तुम्हें दिक्कत है मेरे पंडित हो रहे थे, पंडित हैं जहां बाबा बागेश्वर दुबई जाके कह रहे हैं कि सबसे सुरक्षित राज्य दुबई है, लेकिन वही भारत आके कह रहे हैं अब हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा दुबई में, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब देखिए ये उनका अपना खुद का फैसला है, इस पे जवाब जो है बाबा बागेश्वर वाले महाराज जो है वही दे सकते हैं, अब मेरी उनसे इस विषय में कोई चर्चा भी नहीं हुई कि मैं आपको कुछ वक्तव्य बता सकूं, तो आप उनसे ये सवाल खुद करेंगी तो ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से आपने देखा होगा आजकल जो पत्रकार है वो बिग बॉस में जा रहे हैं, देखिए पत्रकार क्या है, वो पत्रकार जो है, देखिए वो जो है पत्रकार जो है वो बिग बॉस में नहीं जा रहे हैं, उनको फेम चाहिए, लेकिन अच्छी बात है सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है, किसी को फेम उसमें जाना है रियलिटी शो में तो जाइए, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, हम इस पे बात नहीं करते, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र कब बन रहा है, देखिए जिस दिन राम राज स्थापित हो जाएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र, राम राज तो 2014-15 में होता तो बेटियों के बलात्कार नहीं होते, अगर 2014 में होता तो किसानों की हत्या नहीं होती, 2014 में होता तो बेटियों को नंगा नहीं घुमाया जाता, 2014 में अगर स्थापित हो गया होता तो तमाम जितने मंदिरों में घोटाले हुए, हीरे की जवाहरात की सोने की चीजें जो पीतल में तब्दील हो गई वो नहीं होती, है ना, अगर रामराज स्थापित हो जाएगा, रामराज स्थापित हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हिंदू राष्ट्र अपना पहले 10 साल में तो रामराज चला तब तो मौका जनता ने दिया फिर से, अच्छा कहाँ दिया मौका, नहीं दिया, तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी बने, तो कैसे बने, कैसे बने, कैसे 36 दलों को साथ लेकर के कहते हैं कि एक अकेला 36 दल, 50 पत्रकार, ठीक 100 दिल्ली के मीडिया मिनिस्ट्री मीडिया के 100 बड़े चैनल, ठीक, और 100 यूट्यूब के चैनल, वो साथ लेकर के ईडी सीबीआई साथ लेकर के साहब घूमते और कहते मैं अकेला हूँ, तो मोदी जी कहते तो है मैं प्रकट हूँ, बायोलॉजिकल नहीं है, तो फिर इसका मतलब वो जो है पैदा नहीं हुए, अपनी माँ के साथ में जो ड्रामा ढकोसला करते थे वो क्या था कि जब माँ मुझे गोदी में खिलाती थी, जब मैं पैदा हुआ तो ये हुआ वो हुआ, तो ये सब ड्रामा था, प्रोपेगेंडा था, जनता को गुमराह किया, अरे आपकी सेवा के लिए भगवान ने भेजा है उनको, मिशन है, कह रहे मिशन है, अच्छा देश को बर्बाद करने का नहीं, सेवा करने का, देश को बर्बाद करने का मिशन पाले है, क्योंकि भाजपा ने हमेशा वही किया है, तमाम जितने पुलिस वाले थे उनकी पेंशन खाई भाजपा ने जब वो आई थी, ठीक है, जो प्रधानमंत्री बने थे उनके, और तमाम नौकरियों को उन्होंने एक उसमें सीमित कर दिया, अब भाजपा ही अब खा गए आर्मी वालों की नौकरी को, तमाम जितनी हमारी ये शिक्षा मित्र हैं आंगनवाड़ी है इनके सबके खा गए, घोटाले कर दिए सारे नौजवानों की नौकरी खा गए, तो जब ये आते हैं देश को ही खाने के लिए आते हैं क्या, बताइए पहले जानता कौन था, मोदी जी के नाम से सब जानते हैं भारत, अच्छा पहले कोई नहीं जानता था, जब देश आजाद हुआ था, आजाद होने से पहले गांधी के आंदोलन की 52 गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था, मोदी जी बोल रहे हैं 52 पूनम जी सुनिए, गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था, देश में जाके गांधी जी कहते मैं गांधी के देश से आया हूँ, मोदी जी फिल्म के बाद गांधी जी को लोग जाना है, 52 देशों में गूंजती महात्मा गांधी जी के आंदोलन की
और जब सोशल मीडिया नहीं चलता था, जब तुम्हारे पेड़ वर्कर नहीं चलते थे, तब 52 देशों में गूंज थी। और आप कहते हो कि आप गांधी को नहीं जानते हो, और आपकी जब से राजनाथ सिंह जी बैठे थे सिलेंडर लेकर, स्मृति ईरानी जो पूर्व मंत्री हम बैठी थी 2012 में आंदोलन करने के लिए, घेराव करने के लिए, तो कहते हैं हम तो गांधी की नीतियों से आंदोलन कर रहे हैं, हम तो अहिंसा से आंदोलन कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री थोड़ी बताएंगे कि गांधी कौन थे कौन नहीं थे। देखिए क्या लगता है, तो क्या इतना विरोध मोदी जी का हो रहा है? एक तरफ मोदी जी की गाड़ी में चप्पल फेंकी गई, भाई गगन पर थप्पड़ पड़ा। देखिए साहिब के ऊपर चप्पल और मेम साहब के ऊपर थप्पड़, पहली सांसद भाजपा की ऐसी है जो जीती कमल के फूल से और चुनाव चिन्ह हाथ, पहली सांसद। ठीक है, आप तो उन लोगों का समर्थन कर रही है, ऐसे तो कोई देखिए देखिए मैंने समर्थन नहीं किया, मैंने उनका जवाब दिया, मैंने जवाब दिया हिंसा का समर्थन कर रहे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा? लेकिन कन्हैया कुमार को जब मारा गया था आप लोग चिल्ला रही थी। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं बॉर्डर पे बैठी हुई थी, उस महिला ने ये बोला लफंगे बैठे हुए हैं, आतंकवादी बैठे हुए हैं, 200 रुपए में आ रखी है, उस महिला ने बोला हुआ। शुक्र है कि उसने तो एक थप्पड़ ही मारा, ठीक है, भाजपा के बाकी के सांसद कान खोल करके सुन रहे। हाल ही में सीआरपीएफ से को दी गई है संसद भवन की सुरक्षा, सीआरपीएफ से छीन कर बाकी सांसद सतर्क है। मैं खुद आंदोलन में बैठी हुई थी और उस मतलब महिला की माँ बैठी हुई थी, जब उसने बोला कि 200 रुपए में बैठी हूँ, हो सकता है कि मैं भी थप्पड़ मारूं। अच्छा किसको मारेंगे थप्पड़? सुझाव दे रही है या चेतावनी दे रही है? देखिए मैं सुझाव दे रही हूँ, सांसद है भाजपा के सत्ता में है तो सुझाव देना पड़ता है भैया, विपक्ष है हमारी जिम्मेदारी है उनको सुझाव देना। देखिए मैं इस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि मैं किसी को थप्पड़ उप्पड़ मारूँ, लेकिन हो सकता है मेरे सामने आ सकती थी, क्योंकि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैंने 13 महीने बॉर्डर पे दिए, मैं खुद आंदोलन में 13 महीने बैठी थी, हो सकता है ये गलती मुझसे भी हो जाती, बाद में मैं इसका पश्चाताप बेशक करती रहती, लेकिन हो सकता है मुझसे हो जाती, क्योंकि मेरे लिए भी ये शब्द बोले गए। ठीक है, एक मैं क्या मैं बोलूँ इस महिला को, एक चर्सी महिला, खुद उसने खुद स्वीकारा है इस चीज को, मोदी जी की गिलहरी हूँ मैं, श्री राम की तरह मोदी जी हैं, मैं बता तो नहीं हूँ, उसने खुद स्वीकारा है, वो महिला नहीं बताएगी हमें कि हम आंदोलन जीवी हैं या 100 रुपए में राष्ट्रवादी महिला, उसकी इतनी उतनी हैसियत नहीं है, राष्ट्रवादी महिला है वो, चापलूसी कर करके आप पदम ले सकते हो पुरस्कार, सरकार तो कांग्रेस की थी ना, जब पदम राष्ट्रवादी महिला है, समझ गए, कांग्रेस की सरकार थी जब उसको पदम पर वोट मिला, जमीन रहते हैं ये छोड़ो पुराने की, तो मिली कांग्रेस की सरकार ने, नो डाउट कंगना की ने कर पहले उठा के तो देखो किसको हराई आप, देख रही है राजा को हराई है, ऐसे तो हमने हमारे नेता ने रानी को हराया, बताइए रानी को हराया ना, स्मृति रानी है कि नहीं, लीगल रानी है वो, तो स्मृति रानी लीगल रानी को हराया, और हमारे तो छोटे से कार्यकर्ता ने हराया, कांग्रेस के कांग्रेस परिवार के छोटे से सदस्य ने हराया, अब बताइए पूनम जी आपको रास, बताइए मेनका जी को हराया, बताइए आपको रास नहीं आ रहा कि देश मजबूत हाथों में, नहीं आ रहा, आप कराओ अच्छा हाजिरी करा ना, रास कैसे करा, अब आपको रास नहीं आ रहा, हाँ मुझे नहीं आ रहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ना मुझे रास कराओ, कराओ कितने तो अच्छे काम किए, कितने अच्छे किए, अब देखिए ना सरकार में आते ही कहा है किसानों का 2 लाख रुपए जो है लोन वो माफ कर देंगे, अभी तो ये लोकसभा का पूरा चुनाव इस पे हुआ था, महिला आरक्षण लागू कर देंगे, लागू नहीं हुआ, सिर्फ बोला बोला जीतते ही बोला है 2 लाख रुपए किसानों का लोन माफ कर देंगे, देखिए जीतते ही किसानों की बात की है, डर गए किसानों से, अच्छी बात है जो ये इतनी महंगाई की है उसकी भुगतान कर रहे हैं, वो पूरी नहीं होगी।